जी डी हिंदी टेक में दोस्तों आपका फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने स्टूडियो मास्टर का 3 किलोवाट का मॉस्फेट एम्पलीफायर का रिव्यू करने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो जो मेरा था स्टूडियो मास्टर का 6 किलोवाट का, मैं आपको बताया था कि मैं अगला वीडियो 3 किलोवाट का है होगा, जो दोस्तों मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। आइए इसको देखते हैं, इसके अंदर क्या पार्ट्स लगे हैं और उसके अंदर क्या फंक्शन दिए हैं। दोस्तों में अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए इसका चैनल वर्ल्ड सामने आपके हैं और ये हो गई स्टूडियो मास्टर की लोगो। इसका पावर ऑफ ऑन, ये इसका चैनल 2 और नीचे पी सीरीज का टर्निंग सीरीज 3.0। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं इस टाइप के वीडियो बनाता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। आइए मैं दिखाता हूँ उसका बैक पैनल। दोस्तों उसका ये बैक पैनल हो गई। दोस्तों उसका ये पावर कोड है जो आपका 250 वोल्ट पर 250 वोल्ट पावर करता है और ये 16 एम्पियर के बोर्ड पर अटैच होता है। काफ़ी इसका हैवी केबल है जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे। इसके बैक पैनल में हो गया ये चैनल 1 हो गया और इधर दी हुई है चैनल 2। ये आउटपुट के लिए आउटपुट 1 और आउटपुट 2 दिया हुआ है। ये ग्राउंड हो गया। ये आपकी हो गई है लो कट के लिए, ऑफ ऑन करने के लिए ये अभी, ये हो गया मोड चेंज करने के लिए मोनो स्टूडियो और ब्रिज पर। और उसके बगल में जो है ये लिमिटर है कि आपकी एम्पलीफायर लिमिट में वर्क करे। आपके सामने जो एलईडी दी होती है लिमिटर की, इसको ऑन करने के लिए होता है कि आपके एम्पलीफायर जैसे वो लिमिट क्रॉस करेगा ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। सामने बटन दी होती है, अब उसको आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको ये लिमिटर बटन कहाँ काम करता है। ये आपको ये सामने दिख रही है लिमिटर, ये इसके जहाँ पार्क आएगी एम्पलीफायर की वही ये ऑटोमेटिक सिस्टम आपका एम्पलीफायर बंद हो जाएगा आपका। इसलिए दोस्तों आप इसको ऑन कर रखा कीजिए लिमिटर बटन। आइए इसको अंदर में दिखाता हूँ पार्ट्स के। ये चैनल 2 का ये है, के नीचे लगे हुए कैपेसिटर, इस पर लोगो भी लगा हुआ है PA3A पावर एम्पलीफायर 3 किलोवाट। सबसे बेटर चीज आपका ये हो गया ट्रांसफार्मर, सबसे भारी यही होता है मॉस्फेट में इसका ट्रांसफार्मर। ये हो गया चैनल 2, इसका दूसरा चैनल,
दोस्तों उसका जो फैन लगा होता है ऊपर नीचे को लगा होता है, जो दिख नहीं रहा है यहाँ से, दिख नहीं रहा है इसके अंदर जो फैन लगा होता है, इसके अंदर ये जो इसको हीट होने से बचाता है और जितने से गर्म हवा बाहर निकलता है इसके हॉट एयर्स। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ।